गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राहुल शर्मा आज आपको क्लास ट्वेल्थ का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म समझाऊंगा। चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। इससे पहले बायोलॉजी जो आज हम पढ़ेंगे वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है पढ़ना। इंग्लिश में बात करें तो लाइफ और स्टडी, यानी जीवन के विषय में पढ़ना। तो जीवन के विषय में जिस विषय में पढ़ते हैं, या विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवन के विषय में पढ़ते हैं या जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की मुख्य दो शाखा हैं, एक में करते हैं जंतुओं का अध्ययन, जंतु जूलॉजी इसको कहेंगे जंतु विज्ञान, और दूसरी शाखा है इसकी वनस्पति विज्ञान। इंग्लिश में इसको कहेंगे बॉटनी। इसमें हम सारे पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा बायोलॉजी की बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे कोशिका विज्ञान जिसमें कोशिका का अध्ययन करते हैं, और इसके अलावा भी जैसे जेनेटिक्स जिसमें आनुवांशिकता या आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करेंगे। तो ये सब बायोलॉजी है। तो आइए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर का नेम है जीवों में जनन, जीव अर्थात एनिमल्स, और ऑर्गेनिज्म जीव। चैप्टर का नेम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन अर्थात जनन, और ऑर्गेनिज्म अर्थात जीव या एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े एनिमल जैसे हम लोग देखते हैं गाय भैंस हाथी बैल, ये नहीं। ऑर्गेनिज्म अर्थात कोई भी एक सेल जो डिवाइड हो सकती हो, कोई भी सेल जो डिवाइड हो सकती हो वो ऑर्गेनिज्म हो गई। आगे इस चैप्टर हम पढ़ेंगे नंबर फर्स्ट जीवन अवधि। इसको कहेंगे लाइफ स्पेन। इसके बाद इसमें पढ़ेंगे जनन, रिप्रोडक्शन। ये टू टाइप्स का पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नंबर दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, निषेचन, युग्मक जाइगोट,
ये सारी चीज़ें हम पॉइंट टू पॉइंट इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं जीवन अवधि। लाइफ स्पेन, किसी भी जंतु या पेड़ पौधे का उसके जन्म से लेकर उससे मृत्यु तक का जो समय काल है वो कहलाता है जीवन अवधि, लाइफ स्पेन। जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय, ये कहलाएगा जीवन अवधि। जैसे आम का कोई पेड़ है उसकी जीवन अवधि है 200 वर्ष, पीपल के पेड़ की लगभग 2500 वर्ष, मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की औसतन आयु है लगभग 70 वर्ष। आम के पेड़ का जीवन काल 200 वर्ष, पीपल का 2500 वर्ष और मनुष्य का लगभग 70 वर्ष। तो इनकी ये जीवन अवधि है, यदि इनकी इतनी ही जीवन अवधि थी तो ये आम का पेड़ 200 वर्ष बाद नष्ट हो जाना चाहिए था, पीपल का 2500 वर्ष बाद नष्ट होना चाहिए था और मनुष्य का 70 वर्ष बाद नष्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन ये इनकी जातियाँ पृथ्वी पर ज्यों के त्यों लगातार बनी हुई हैं। तो ऐसा ये क्या करते हैं जो इनकी जातियाँ बनी हुई हैं, इससे पहले ये आम का पेड़ नष्ट होने से पहले एक प्रक्रिया करेगा प्रजनन या जनन। ऐसे ही पीपल, ऐसे ही मनुष्य और ऐसे ही जितने भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे एक प्रक्रिया करते हैं जनन, जिससे वो नष्ट होने से पहले अपने जैसे दूसरे जीवों को उत्पन्न कर देते हैं। तो जनन, जनन क्रिया है जनन, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने ही जाति के जीव उत्पन्न करता हो। जनन वह क्रिया है जिसमें जीव अपने ही जैसे या अपनी ही जाति के और जीव उत्पन्न करता है। जनन दो प्रकार का होगा, नंबर वन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हिंदी में कहेंगे अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में केवल एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है। जैसे जो भी जीव या ऑर्गेनिज्म जनन करता है तो वो अपने ही जैसी सेल तैयार करता है या अपने ही जैसा कोई, मान लीजिए एक सेल है ये डिवाइड हुई, इससे दो सेल बन गई, ये सेल इसके जैसी सेम होंगी तो ये अपने ही जैसी सेल तैयार करेगा। इस सेल को जिससे ये जन्मे हैं इसको कहेंगे पेरेंट, और ये जो सेल जिनका जन्म हुआ है ये होंगी डॉटर सेल। डॉटर सेल या संतति कोशिका, इनको कहेंगे संतति कोशिका। तो अलैंगिक जनन जो है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है।
इसमें मेल फीमेल ये गैमेट नहीं बनते और इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होगी और इससे जो भी संतान होगी या जो ऑर्गेनिज्म डॉटर सेल होगी वो इसके जैसी होगी, सेम बिल्कुल इसी जैसी होगी, जिसको कहेंगे क्लोन। जब जनन होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब मान लीजिए सेल में ये प्रोटोप्लास्ट है और इस सेल को डिवाइड कर दिया और प्रोटोप्लास्ट भी दो बार डिवाइड हो गया, आधा इस सेल में चला गया और आधा इस सेल में, एक सेल ये बन गई और एक सेल ये बन गई। तो जैसा ही प्रोटोप्लास्ट ये था ऐसा ही इस वाली सेल में होगा और ऐसा ही इस वाली सेल में होगा, ये बिल्कुल सेम होंगे, इसीलिए ये कहलाएंगे क्लोन। ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेकंड पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें गैमेट बनते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। यानी इसमें दो जनकों की आवश्यकता होगी, मेल नर और फीमेल मादा, ये दोनों मिलकर गैमेट बनाएंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। इसके बाद में एक प्रक्रिया होती है गैमेट बनने के बाद जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट के मिलने की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज होने की क्रिया कहलाती है फर्टिलाइजेशन या निषेचन, और निषेचन के बाद बनता है युग्मक जाइगोट। इन दोनों को मिलने से, मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से बनता है जाइगोट, और जाइगोट शिशु या न्यू सेल का निर्माण करता है। ये इतनी प्रक्रिया होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार, इसमें फर्स्ट पॉइंट है बाइनरी फ्यूजन द्विविभाजन, सेकंड है स्पोरुलेशन बीजाणु जनन, थर्ड है बडिंग मुकुलन, फोर्थ फ्रेगमेंटेशन या खंडी भवन, फिफ्थ रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। इसके अलावा पौधों में कायिक जनन भी होता है जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, और ये होता है नंबर वन जड़ों द्वारा, तनों द्वारा या पत्तियों द्वारा। फर्स्ट पॉइंट बाइनरी फ्यूजन, ये होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जैसे अमीबा, मान लीजिए अमीबा है, इसको यहाँ से काट दिया जाए, काटने के बाद इसका इधर वाला पार्ट एक नया अमीबा बना लेगा और दूसरा वाला पार्ट एक दूसरा अमीबा बना लेगा, इसको कहते हैं बाइनरी फ्यूजन या द्विविभाजन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का दो भागों में डिवाइड हो जाना। सेकंड है स्पोरुलेशन या बीजाणु जनन। एक कवक होता है पेनिसिलियम, पेनिसिलियन कवक में इस टाइप से होता है ये, इसमें ऊपर की साइड स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं,
ये स्पोर वायु द्वारा या किन्हीं और साधनों के द्वारा प्रकीर्ण होते हैं, इनका प्रकीर्णन होता है और प्रकीर्णन के द्वारा ये नया पौधा तैयार करते हैं। न्यू पेनिसिलियम, इस तरह से स्पोरुलेशन होता है। उसके बाद बडिंग, मुकुलन, ये जैसे हाइड्रा, मान लीजिए हाइड्रा है, इसमें एक मुकुल निकलता है जिसको कहते हैं बड। ये बड हल्के हल्के बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद यहाँ से टूट जाता है और टूटने के बाद एक दूसरा हाइड्रा बना लेता है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन या खंडी भवन। इसमें जैसे स्पाइरोगायरा है, स्पाइरोगायरा यहाँ से प्रत्येक खंड से टूट जाएगा और टूटने के बाद इसका प्रत्येक खंड एक नया स्पाइरोगायरा बना लेगा। इसमें ही तीन खंड बना दिए हैं लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे खंड होते हैं और प्रत्येक खंड टूटने के बाद नया स्पायर वगैरह बना लेगा। इसके बाद है रीजेनरेशन, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन वह प्रक्रिया जिसमें जीव या कोई भी पौधा अपने कटे हुए अंगों द्वारा दोबारा से अपने आप को उत्पन्न कर ले। यह क्रिया छिपकली की पूंछ में भी होती है। छिपकली की पूंछ यदि कट जाए तो दोबारा से उसको पुनरुद्भवन द्वारा छिपकली की पूंछ आ जाती है। ये क्रिया प्लेनेरिया में होती है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि सबसे अधिक क्षमता पुनरुद्भवन की किस्म होती है, तो ये होती है प्लेनेरिया में। यदि प्लेनेरिया को इतने खंडों में काट दिया जाए तो इसका प्रत्येक खंड एक नया प्लेनेरिया बना लेता है। एक नया प्लेनेरिया बन जाता है। इसके अलावा पौधों में कायिक जनन होता है, जड़ों द्वारा, तनों द्वारा और पत्तियों द्वारा। प्रत्येक पौधा ये नहीं कर पाता, कुछ ही पौधों में ये क्षमता होती है। जड़ द्वारा जैसे शकरकंद है, डहेलिया है, इनमें जड़ों द्वारा ये प्रजनन होता है। नेक्स्ट है तनों द्वारा, बाई स्टेम। तनों द्वारा कई प्रकार से होता है, राइजोम, बल्ब, ट्यूबर, इस टाइप से ये होते हैं। थर्ड है पत्तियों द्वारा, ये अजूबा, इसकी मान लीजिए ऐसे पत्ती है ये, तो इसकी पत्तियों के ऊपर से और पत्तियाँ निकल आती हैं और प्रत्येक पत्ती एक नए अजूबे को जन्म देती है। एक बात और, जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इसमें निषेचन जो दिया हुआ है उसमें कुछ वर्ड आते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, तो ये समझ लेते हैं ये क्या है। इसका चैप्टर अलग से एक आगे दिया हुआ है यूनिट में, लेकिन इन टर्म्स को यहाँ पर जान लेते हैं, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। समसूत्री विभाजन ये कोशिकाओं में होने वाली एक प्रक्रिया है। इससे कोशिका एक कोशिका से दो कोशिका में विभाजित होती है। समसूत्री विभाजन में जैसे एक ही कोशिका है कोई भी, ये जब डिवाइड होगी तो इसे दो कोशिका बनेंगी और इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। जैसे मान लीजिए मनुष्य की सेल है ये, इसमें 46 गुणसूत्र हैं, तो इस वाली कोशिका में भी जो ये बनी है इसमें भी 46 गुणसूत्र होंगे और इसमें भी 46 गुणसूत्र होंगे, दोनों में 46-46 गुणसूत्र होंगे। ये होता है हमारी कायिक सेल्स में, यानी हमारी बॉडी जो है उसमें ये 24 घंटे
ये वाला कोशिका विभाजन चलता है, ये होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाजन है। इस विभाजन के द्वारा जो जातियां हैं वो एक निश्चित बनी हुई हैं और जातियों का स्थायित्व बना हुआ है। जैसे एक सेल है, ये एक सेल पहले दो कोशिका बनाएगी और ये दो कोशिका भी डिवाइड होने के बाद और दो दो कोशिकाएं बना लेंगी, यानी इस विभाजन में एक कोशिका से चार कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जैसे 46 गुणसूत्र इस कोशिका में हैं तो इन वाली कोशिकाओं में होंगे 23-23 गुणसूत्र। ये विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है, यानी 23 गुणसूत्र मेल गैमेट में और 23 फीमेल गैमेट में। फर्टिलाइजेशन के फ्यूजन के बाद ये होगा 46 गुणसूत्र और मनुष्य का स्थायित्व इस पृथ्वी पर बना हुआ है। तो बच्चों इस चैप्टर को हमने समझ लिया है और इसके प्रश्न उत्तर और इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो आपको भेज दी जाएगी। आप अपनी कॉपी में उसको अच्छे से उतार लें और इसको दोबारा से एक बार इसकी समरी समझ लेते हैं। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था जनन और उसके प्रकार। जनन था दो प्रकार का, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। और उसके बाद इसमें लाइफ स्पैन पढ़ा, फर्टिलाइजेशन पढ़ा और जाइगोट पढ़ा। अब अगली वीडियो में आपको अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।